दोस्तों थाईलैंड किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है हमारे सबके बीच में। ये इक्वली पॉपुलर डेस्टिनेशन है भारत के यंग एडल्ट्स के बीच में, फैमिली हॉलीडेज के बीच में, हनीमूनर्स के बीच में और साथ साथ ग्रुप ट्रैवल के लिए। दोस्तों जब भी थाईलैंड एज अ डेस्टिनेशन का डिस्कशन आता है या फिर हम इस जगह के लिए टूर्स और हॉलीडेज की बात कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो हमेशा पॉपअप होता है, वो ये है कि थाईलैंड का सबसे सस्ता हॉलीडे पैकेज कैसा होता है। दोस्तों जब हम थाईलैंड के सबसे सस्ते हॉलीडे पैकेज की बात करते हैं, इसमें किसी न किसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो किया ही जाता होगा। लव अगांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब आप थाईलैंड का सबसे सस्ता पैकेज लेते हैं वो किस तरह का दिखता है, उसके इंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं, उसकी आइटनरी एक कैसे दिखती है डिटेल में। अगर आपके कोई सवाल है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना मत भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर कर पाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक एक मोस्ट विजिटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो सबसे बड़ी तादाद में अगर किसी एक शहर में जाते हैं वो है बैंकॉक। दोस्तों ये उतना ही पॉपुलर है भारतीय पर्यटकों के बीच में, भारत से न सिर्फ बैंकॉक के लिए बल्कि यहाँ के तमाम शहर जैसे पत्या, कोसामोई, कराबी, फुकेत, चांग माई, चांग राई, हुआ हिन, इन तमाम जगहों पर भारत से हजारों पर्यटक एवरी डे करीब करीब थाईलैंड जाते हैं। भारतीय पर्यटकों को इसको इतना पसंद करने के तमाम रीजन हैं। जो सबसे पहला रीजन है वो इसका बहुत ही नजदीक होना भारत के तमाम शहरों से। ज्यादातर शहर ऐसे हैं जहां पे 3 से 5 घंटे की फ्लाइंग टाइम में आप आसानी से बैंकॉक पहुंच सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी फ्लाइट की। भारत के मैप में अगर आप शुरुआत करेंगे दोस्तों गुवाहाटी, गुवाहाटी के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद में बनारस, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, कोचीन, बेंगलुरु या फिर चेन्नई, शायद एक आध डेस्टिनेशन मैं भूल भी गया हूँगा इसमें बीच में, इन सारी जगहों से ऑलमोस्ट आपको डेली फ्लाइट्स मिलेंगी वो भी डायरेक्ट बैंकॉक के लिए। तीसरा रीजन है दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सस्ती जगह है, सस्ती इन टर्म्स ऑफ यहाँ का खाना, सस्ते इन टर्म्स ऑफ यहाँ के होटल, पानी, ड्रिंक्स, किसी भी तरह की जो चीज होगी आपको कतई महंगी नहीं लगेगी। बिकॉज इंडियन रुपीज के हिसाब से जो यहाँ का थाई भाट का कन्वर्जन होता है, कई सारी प्राइसेस जो होती हैं खाने की, रहने की, घूमने फिरने की, वो आप इंडिया के कंपेरिजन में इसको बहुत ही सस्ता पाएंगे इन चीजों को। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वीजा ऑन अराइवल होना। सभी भारतीय पर्यटकों को यहाँ जाने के लिए अपने वीजा के लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। उनके पास में सिर्फ अच्छी कंडीशन में एक पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जिसको लेके वो आराम से थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद में ही उनको अराइवल में वीजा दे दिया जाता है, उसके बाद वो बैंकॉक एयरपोर्ट में थाईलैंड के अंदर दाखिल हो सकते हैं आराम से और अपनी हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। थाईलैंड एक अमेजिंग डेस्टिनेशन है दोस्तों। भारतीय पर्यटक यहाँ पे यूं ही नहीं जाते हैं, यहाँ पे पसंद करने वाली इतनी चीजें हैं, यहाँ पे करने के लिए इतनी चीजें हैं, यहाँ पे देखने के लिए इतनी चीजें हैं, यहाँ के खूबसूरत लोग, यहाँ का थाई खाना, यहाँ का थाई कल्चर, यहाँ के खूबसूरत बीचेस, यहाँ के टेम्पल्स और यहाँ की शॉपिंग, सारी चीजें अल्टीमेट हैं जो कि आपको किसी भी तरह की हॉलीडे में चाहिए होती हैं और ये आसानी से आपको यहाँ पे मिलती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थाईलैंड के सबसे सस्ते हॉलीडे पैकेज की। जो थाईलैंड का जो सबसे सस्ता हॉलीडे पैकेज होता है आमतौर पे इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 3 nights and 4 days की होती है, जिसका मतलब है कि आप वहां पे 3 रातों के लिए रुकते हैं जिसमें 4 दिन आपको मोटे मोटे मिल जाते हैं घूमने के पर्पज के लिए। इसमें अमूमन जो भारतीय पर्यटक ट्रैवल करते हैं वो 2 रातों के लिए पत्या में रुकना पसंद करते हैं और साथ साथ 1 रात के लिए बैंकॉक में रुकना पसंद करते हैं, उसके बाद में वो फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। इस पैकेज के जब हम इंक्लूजन्स पे गौर करेंगे दोस्तों, आमतौर पे आप जब टूर ऑपरेटर से बात करेंगे तो वो 3 nights and 4 days के हॉलीडे पैकेज की बात करेंगे। इसके इंक्लूजन्स, इसका मतलब है कि आपको उसमें क्या मिलता है। आमतौर पे इसमें आपको मिलती है सबसे पहली चीज फ्लाइट, इंडिया के किसी भी डेस्टिनेशन से बैंकॉक के एयरपोर्ट, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट तक जाना और वहां से वापस अपने डेस्टिनेशन तक आना। इसके बाद होती है आपकी एकोमोडेशन, जब आप वहां पहुंचेंगे आप रुकेंगे कहां। इसमें 3 nights की एकोमोडेशन इंक्लूडेड होती है एक अच्छे 3-star होटल में। 3-star होटल ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कि आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, अच्छे कमरे मिलेंगे, एयर कंडीशन्ड होंगे और एक अच्छी लोकेशन पे ये मौजूद होते हैं, जिससे आपको वहां पे आसपास घूमने फिरने की बड़ी आसानी रहे। इस एकोमोडेशन में आपको दोस्तों डेली ब्रेकफास्ट एट द होटल भी इंक्लूडेड होता है। चौथी चीज ये है दोस्तों इसमें आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड होती है। अब आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इसमें क्या होती है, जब आप स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में उतरते हैं वहां पे गाइड एक आपको मिलेगा जो गाइड आपको आपकी ट्रांसपोर्टेशन में असिस्टेंस देगा, वहां से बिठा के वो आपको पत्या तक लाएंगे, पत्या में 2 रातें रुकने के बाद में आप बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक में वहां पे रुकने के बाद में बैंकॉक में लोकल साइट सीइंग करेंगे और बैंकॉक से आप स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आएंगे अपनी वापसी की फ्लाइट लेने के लिए। ये सारी
ट्रांसपोर्टेशन जो होती है इस पैकेज में इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा कुछ साइटसिंग्स और एक्टिविटीज भी पत्या एंड बैंकॉक में आपके लिए इंक्लूडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पत्या पहुंचते हैं तो वहां का एक फेमस अल्काज़ार शो जो कि आपके लिए इंक्लूडेड होता है इस पैकेज में, और साथ साथ अगले दिन जब आप कोरल आइलैंड की साइटसिंग के लिए निकलते हैं, कोरल आइलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटसिंग है। जब आप एक बोट में, स्पीड बोट में बैठ के यहाँ पे इस आइलैंड तक जाते हैं, और सिर्फ आइलैंड तक जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो रास्ते में आप वो सारे वाटर स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे कि अंडर सी वॉक या पैरासेलिंग या फिर और तमाम स्कूटर राइड, बनाना बोट राइड, जो कि इस कंप्लीट टूर को आपके लिए बहुत ही एंजॉयबल बनाती हैं। उसके बाद जब आप बैंकॉक आते हैं तो बैंकॉक में भी वहाँ का सिटी और टेम्पल टूर जो होता है ये आपके लिए इस पैकेज में इंक्लूडेड होता है। दोस्तों, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप थाईलैंड पहुंचेंगे आप वहां पे बात कैसे करेंगे, बिकॉज चांसेस ये हैं कि आपको थाई लैंग्वेज नहीं आती है। आपके लिए ये असिस्टेंस लोकल गाइड की इंक्लूडेड होती है। ये गाइड एक लोकल होता है जो कि थाई लैंग्वेज और इंग्लिश या हिंदी में भी आपके लिए इजी कन्वर्सेशन कर सकता है। आपको ये एयरपोर्ट में आपको असिस्टेंस देगा, आपके होटल में चेक इन में असिस्टेंस देगा, सारी साइटसिंग में आपके साथ में होगा, और उसके बाद में आपको ये वापसी में एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने भी आता है। अगर हम इस पैकेज की बात करेंगे दोस्तों कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप फ्लाइट कहाँ से ले रहे हैं, हो सकता है कोलकाता से जब आप ट्रैवल करेंगे तो ये बहुत सस्ता हो सकता है, अगर आप दिल्ली से या मुंबई से ट्रैवल करेंगे तो ये थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन अमूमन ये पैकेज जो है करीब 25,000 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जो भी अभी तक मैंने आपको इंक्लूजन्स बताए हैं ये सारे इंक्लूजन्स स्टेप बाय स्टेप आपको इस 3 nights 4 days पैकेज में मिलते हैं। एक और चीज़ ख्याल रखने वाली है दोस्तों कि इसमें कुछ एक्स्ट्रास भी होते हैं आपको, यानी कि आपको एडिशनली पैकेज के बियॉन्ड आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वीज़ा उस टाइम पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं अगर उस टाइम पे वीज़ा वेवर है तो हो सकता है आपको फ्री एंट्री मिल जाए, बट आमतौर पर ऑन अराइवल वीज़ा जो है करीब करीब 2,000 रुपये का होता है। ये आपके लिए एक एडिशनल खर्चा है। कुछ GST के टैक्सेस होते हैं जो कि आपको एडिशनली स्पेंड करने पड़ेंगे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में भी आपके लिए आपके लंच और डिनर, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन, वाटर स्पोर्ट्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब के लिए आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आपके पास में जरूर होने चाहिए। दोस्तों, जब हम सबसे सस्ते हॉलीडे पैकेज की बात कर ही रहे हैं और हमने देखा है कि 3 nights 4 days का एक हॉलीडे पैकेज आपके लिए सबसे सस्ता पैकेज होता है थाईलैंड का, इससे कम आप क्या जाएंगे वहां पे, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि उस पैकेज के क्या इंक्लूजन्स होते हैं। अब ये क्विकली देख लेते हैं कि इसमें जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपकी एक डिटेल आइटनरी किस तरह की दिखती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आप वहां पे क्या क्या करते हैं। दोस्तों, आपकी आइटनरी में day 1 में जब आप बैंकॉक में अराइवल होता है आपका सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे, आपको यहाँ पे अराइवल ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है। अराइवल ट्रांसफर अमूमन आइटनरी में ज्यादातर लोग जो है एयरपोर्ट में उतरने के बाद फौरन बताया जाना चाहते हैं। पत्या में पहुंचने के बाद में आपका होटल में चेक इन होता है। चेक इन होने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही आपकी जब शाम होती है आपको यहाँ पे अल्काज़ार शो के लिए जाना होता है। ये करीब 1 घंटे का टूर है जिसमें कि आप वहाँ पे शो में बैठते हैं और वहाँ पे वहाँ के आर्टिस्ट से भी मिलते हैं। उसके बाद में आप वापस आते हैं अपने होटल में ओवरनाइट स्पेंड करने के लिए। ये हो गया आपका day 1। आपकी आइटनरी का day 2 जो होता है ये रिजर्व्ड होता है आमतौर पे कोरल आइलैंड के टूर के लिए। दोस्तों, कोरल आइलैंड के टूर ये सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में स्टार्ट होता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप एक स्पीड बोट में, जैसे मैंने पहले बताया, कोरल आइलैंड के लिए जाते हैं। कोरल आइलैंड के रास्ते में आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जहां पे आप अपने वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी सुबह 8 बजे से स्टार्ट करने के बाद में 12 से 1 बजे के पास आसपास आप इस एक्टिविटी के बाद में वापस आ जाते हैं। इसके बाद आपका फ्री टाइम है जिसको कि आप शॉपिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या और भी तमाम एक्टिविटीज हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं लेटर ऑन, और ये होता है आपका day 2 जो कि आज खत्म होता है। तीसरे दिन में दोस्तों आपका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद में आप पटाया के होटल से चेकआउट करके आप जाते हैं बैंकॉक की तरफ। बैंकॉक में पहुंचने के बाद में आपका सबसे पहले होता है यहाँ का सिटी और टेम्पल टूर। आप यहाँ के एमरल्ड बुद्ध टेम्पल और गोल्डन बुद्ध टेम्पल, इन दोनों टेम्पल्स की विजिट करते हैं। साथ में आपको एक ओवरव्यू मिलता है गाइड के साथ में कंप्लीट सिटी का, जिसमें कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे आपको वापस आना है उस जगह को डिटेल में देखने के लिए। उसके बाद चौथा दिन दोस्तों आपका ये आखिरी दिन है। आमतौर पे ब्रेकफास्ट के बाद में ज्यादातर लोग जो है अपना पूरा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने सोवेनियर्स शॉपिंग के लिए या फिर अपनी अदरवाइज शॉपिंग के लिए। बैंकॉक शॉपिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ की तमाम ऐसी मार्केट्स, ओपन मार्केट्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं जो भारतीय पर्यटकों के बीच में बहुत ही मशहूर हैं दोस्तों, और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद में शाम में आपका डिपार्चर ट्रांसफर होता है, जिसमें कि आपका गाइड जो है आपको आपकी गाड़ी में बिठा के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे छोड़ देगा। उसके बाद चेक इन करके आप वहाँ से फ्लाइट लेके वापस आ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से दिखती है आपकी एक 3 nights 4 days की आइटनरी, जो कि आपके सबसे सस्ते पैकेज की एक आइटनरी होती है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो इसको लाइक करना मत भूलें। जैसा हम लोगों ने पहले बोला था आपसे, अगर आपके कोई सवाल हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उन सारे सवालों को जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में।